जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़। गोकुलधाम कॉलोनाइजर के अड़ियल रवैये से निवासियों में दहशत, नरकीय जीवन जीने के लिए विवश। रायगढ़ बड़े रामपुर के निकट इंदिरा नगर समीप स्थित गोकुलधाम बसाने वाले कॉलोनाइजर के तानाशाही रवैये से कॉलोनियों में निवासरत मकान मालिकों में दहशत व्याप्त है। यहाँ निवासरत मोहल्ले वासी नरकीय जीवन जीने को विवश है। गोकुलधाम निवासियों में अपनी लिखित शिकायत में इस बात से अवगत कराया है कि शिकायत बताने पर कॉलोनाइजर द्वारा गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी जा रही है। आखिर कॉलोनी वासी अपनी शिकायत लेकर किसके पास जाएं? कॉलोनी वासियों ने चर्चा के दौरान बताया कि 150 से अधिक प्लाट इस कॉलोनी में हैं, जिसमें 15 परिवार बस चुके हैं। प्लाट लेने के दौरान कॉलोनाइजर ने मूलभूत आवश्यकता सड़क बिजली पानी को लेकर सुनहरे सपने दिखाए गए, लेकिन मकान बनने के साथ ही साथ कॉलोनाइजर दादागिरी पर उतर आए। मकान मालिक इस रवैये से दहशत में जी रहे हैं कि उनकी जान को खतरा भी बना हुआ है। सार्वजनिक पानी टंकी से पानी की सप्लाई चालू नहीं की गई। जिन घरों द्वारा कनेक्शन लिया गया था, रात के अंधेरे में कनेक्शन काट दिया गया, जिससे कई घरों में पानी की समस्या बनी हुई है। स्ट्रीट लाइट बंद है, साफ सफाई का अभाव है। आसपास बड़े बड़े पेड़ पौधों की कटाई नहीं होने की वजह से जहरीले जीव जंतुओं ने जान का खतरा बना हुआ है। ना ही कॉलोनाइजर द्वारा साफ सफाई करवाई जा रही है और ना ही करने दी जा रही है। बाउंड्री वॉल टूटी हुई है, जिसकी वजह से बाहरी तत्वों से चोरी डकैती की संभावना बनी हुई है। कॉलोनी में व्याप्त समस्याओं को लेकर चर्चा करने पर कॉलोनाइजर द्वारा बदतमीजीपूर्ण व्यवहार करते हुए जान से मारने की धमकी दी जा रही है और घर खाली कर अन्यत्र बजाने की बात कही जा रही है। आज तक मूलभूत आवश्यकताओं हेतु सोसाइटी का गठन भी नहीं किया गया है, ना ही निगम को हैंड किया गया है। कॉलोनी वासियों ने जिलाधीश भीम सिंह ने निगम आयुक्त से गुहार लगाते हुए समस्याओं के निदान की गुहार लगाई है। रायगढ़ से हेमेंद्र जायसवाल की खास रिपोर्ट। सियासी गलियारों से लेकर खेल के मैदान तक एंटरटेनमेंट के तड़के से लेकर कारोबार के उतार चढ़ाव तक, मंदिरों में बजती घंटियों से लेकर दरगाह की नमाज तक, जुर्म के दलदल के हर झूठ का करेंगे पर्दाफाश। यहां हर खबरें उगलेंगी, हर कातिल के राज। खबरें नहीं, खबरों का सटीक विश्लेषण। क्योंकि आप देख रहे हैं अखंड न्यूज़ 24।